हेलो एवरीबॉडी आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं इनकी अथॉरिटीज़ पावर फंक्शन कम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है विद दैट हम चेक करेंगे कि ट्वेल्थ स्कैड्यूल क्या कहता है म्यूनसिपैलिटीज़ के फंक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट 1992 है जो कि म्यूनसपालिटीज़ के बारे में बात करता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है उसे पास किया गया था 1992 में सेवेंटी फोर्थ अमेन्डमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रेसिडेंट की सहमति है वो दी गई थी ट्वेंटी अप्रैल नाइन्टीन को फर्स्ट जून नाइन्टीन वाले दिन जो सेवनटी अमेंडमेंट है वो इन्फॉर्समेंट में आया था जैसे ही सेवेंटी फ़ोर्थ अमेडमेंट आया था जो पुराने म्यूनिसपल कॉरपोरेशन थे उनको एक साल का समय दिया गया था कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन उनके द्वारा फॉलो किए जाते थे जो भी प्रोसीजर उनके द्वारा फॉलो किया जा रहा था तो उसे बदलने के लिए और जो सेवनटी फ़ोर्थ अमेन्नमेंट में दिया गया है उसके अनुसार करने के लिए उन्हें एक साल का समय दिया गया था द सीलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेवनटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू सबसे पहले एक म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उनकी कंपोजिशन को बताया गया था उसके बाद वार्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात इसके ने कुछ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में भी बात की गई थी म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए एक फ़िक्सड ड्यूरेशन तय की गई थी म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होती है इनकी पावर्स क्या होती है इनकी अथॉरिटी क्या होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ये सब बातें सेवेंटी फोर्थ अमेन्डमेंट के द्वारा तय की गई थी सेवेंटी फोर्थ अमेन्नमेंट में स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई थी सेवेंटी फोर्थ अमेनमेंट के तहत मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेवनटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू टू स्कैडूल्ड एरियाज इसकेजूल्ड एरिया जो कि आर्टिकल 244 के फर्स्ट क्लॉज के अंदर दिए गए हैं ये जो पार्ट नाइन्थ ए है जो कि सैवेंटी फोर्थ अमेन्डमेंट नाइनटीन ये ऐसे एरियाज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता उसके बावजूद भी अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही होगा तो जो पार्लियामेंट है वो उसका एक्सटेंशन बढ़ा सकती है और कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन और मॉडिफ़िकेशन कर सकती है जो सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एक्सटेंड करके स्केडूल्ड एरियाज़ को उसके अंदर लाने के लिए एक कमिटी को बिठाया गया था उस कमेटी के अंदर एम और कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था जिन्होंने इस बात पर चर्चा करी थी इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद म्यूनिसपालीज एक्सटेंशन टू द स्कडूल्ड एरिया बिल टू इंट्रोड्यूस किया गया था राज्य में ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट को पास करने के पीछे एक वजह यह भी रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको बेटर बनाने के लिए उसको और ज़्यादा फर्म करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था अब हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो रिलेशन होना चाहिए वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा होना चाहिए उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो सकेंगी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों शेयर करती हैं जैसे कि फंक्शंस और टैक्सेशन पावर रेवेन्यू शेयरिंग जो भी पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में और अर्बन लोकल बॉडीज़ को इसको लोग ढंग से शेयर कर सकें रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टाइमली टाइमलीस इन द केस ऑफ सुपर सेशन सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं जैसे कि स्कैजूल कास्ट स्के ट्राइब्स वमेन इनको भी रिप्रेजेंटेशन का एक मौका दिया जा सके ये कुछ ऐसी पावर्स फंक्शंस और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज़ शेयर करती हैं तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनके जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ ये काफ़ी ज़्यादा फर्म रहें और काफ़ी अच्छे रहें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसपैलिटीज़ सेवेंटी फ़ोर्थ अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ऐसे अर्बन एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनके लिए म्यूनसिपल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ऐसे अर्बन एरियाज़ जो कि बड़े हैं तो उनके लिए म्यूनसपल कॉरपोरेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ऐसे रूरल एरियाज़ जिनको अर्बन एरियाज़ के अंदर बदला जा रहा है उनके लिए नगर पालिका को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ हम बात ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो है उसकी करें तो ऐसे टाइम पर जो कोई भी एरिया होता है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिटुंसीज़ के अंदर बांट दिया जाता है ऐसी हर एक कॉन्स्टिटुंसी को एक वार्ड कहा जाता है और हर वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर उस वार्ड को रिप्रजेंट करता है म्यूनसिपैलिटीज़ का जो कम्पोजिशन होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमेटी वार्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ऐसे एक एरिया के लिए जिसकी पॉपुलेशन तीन लाख से ज़्यादा है तो ऐसे टाइम पर ये जो वार्ड कमेटी होगी इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वार्ड भी इंक्लूड किए जा सकते हैं ऐसे बॉर्ड्स जो कि जिसका कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली uh, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो थ्री लाख होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है तो इसके लिए एक वार्ड कमेटी को बनाया जाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स समय पर एस टीज़ और एस सीज़ के लिए जो सीट्स हैं उन्हें रिज़र्व किया जाएगा ऐसे टाइम पर जब भी रिज़र्वेशन किया जाएगा तो वो रोटेशन में किया जाएगा अगर एक पर्टिकुलर वार्ड में इस टाइम पर रिज़र्वेशन किया गया एस टीज़ या फिर एस सीज़ के लिए तो अगली बार किसी और वार्ड में उनके लिए रिज़र्वेशन किया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ म्यूनिसपैलिटीज़ को पाँच साल के लिए अपॉइंट किया जाता है अगर उसको इन पाँच साल के पहले डिसॉल्व नहीं किया जाता तो वो अपना काम पाँच साल तक कंटिन्यू कर सकती है उस दिन से जिस दिन से उसकी पहली मीटिंग बैठाई गई थी डिसक्लीफिकेशन फॉर मेंबरशिप कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे स्टेट लजिस्लेचर के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए डिसक्वालीफाई किया गया है तो वो यहाँ पर भी डिसक्वालीफाइड ही माना जाएगा पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि 21 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुका है उसे इस बात पे डिसक्वालीफाइड नहीं माना जाएगा कि उसने अभी तक ट्वेंटी फाइव ईयर्स कम्पलीट नहीं किए हैं अगर व्यक्ति स्टेट लजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा डिसक्वालीफाइड है तो वो यहाँ पर डिस्कवालीफाइड माना जाएगा इलेक्शन के लिए पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ स्टेट लजिस्लेचर म्यूनसपैलिटीज़ को पावर और अथॉरिटी प्रदान करेगा स्टेट लजिस्लेचर के द्वारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसे इतनी अथॉरिटी और इतनी पावर दी जाएगी जिससे वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सकें जो म्यूनसिपैलिटीज़ रहेगी उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए प्लान को तैयार करना होगा जो भी फंक्शंस उन्हें दिए गए हैं उन्हें उसे परफॉर्म करना होगा विद डैट अगर उन्हें किसी स्कीम के बारे में बताया गया है तो जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती है उन्हें उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होगा जो स्कीम और जो फंक्शंस हैं म्यूनिसपैलिटीज़ के उसको लिस्ट किया गया है ट्वेल्फ स्कड्यूल के अंदर पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंडस ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ लेजिस्लेचर जो है वो एम्पावर करता है म्यूनसिपलिटी को कि जो म्यूनसपैलिटी है वो टैक्सेस ड्यूटीज़ टोल्स को कलेक्ट कर सके लिवाई कर सके और अप्रोप्रिएट कर सके इसके साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो तय करता है कि ऐसा करने के लिए प्रोसीजर क्या इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी लिमिट कितनी होगी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे टैक्सेस को ड्यूटीज को टोल्स को असाइन करेगा म्यूनसिपैलिटी को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनसपैलिटीज़ को ग्रांट से नड प्रोवाइड करेगा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एरिया में कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनाई जाएगी और मेट्रोपॉलिटन एरिया में कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग बनाई जाएगी ट्वेल्थ स्कैडूल आर्टिकल टू फोटी थ्री डब्ल्यू कुछ फंक्शन को लिस्ट करता है जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को परफॉर्म करने होंगे म्यूनसपल कॉरपोरेशन को अर्बन प्लानिंग करनी होगी जिसके अंदर टाउन प्लानिंग को इंक्लूड किया जाएगा म्यूनसिपैलिटीज़ रेगुलेट करेगी कि जो लैंड है उसे यूज़ किस तरह से किया जाएगा और कौन सी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है म्यूनसिपैलिटीज़ को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी होगी म्यूनसिपैलिटीज़ को रोड्स और ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करवाना होगा म्यूनसिपैलिटीज़ को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वाटर का प्रॉपर सप्लाई हो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए और कमर्शियल पर्पज़ के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ को स्वच्छता का ध्यान रखना होगा विद डैट उसे देखना होगा कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही प्रकार से किया जाए म्यूनसिपैलिटीज़ को प्रॉपर फायर सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी होगी म्यूनसिपैलिटीज़ को अर्बन फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना होगा ऐसे व्यक्ति जो कि हैंडी कैप्ड हैं या फिर मेंटली रिटार्डिड हैं ऐसे वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं उसको सेफ करना होगा म्यूनसिपैलिटीज़ को झुग्गी झोपड़ियों को अपग्रेड करवाना होगा विद डेट उन्हें इंप्रूव करवाना होगा म्यूनसिपैलिटीज़ को अर्बन अम्यूनिटीज़ का भी ध्यान रखना होगा जैसे कि पार्कस गार्डन्स प्ले ग्राउंडस म्यूनसपैलिटीज़ को कल्चरल और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को प्रमोट करना होगा म्यूनसपैलिटीज़ को बरियल ग्राउंड्स क्रीमेशन ग्राउंड्स और इलेक्ट्रिक क्रेमिटोरियम्स की व्यवस्था करवानी होगी म्यूनसपैलिटी को क्रुएल्टी टू एनिमल्स को प्रिवेंट करना होगा म्यूनसिपैलिटीज़ को बर्थ्स और डेथ के रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करना होगा म्यूनसपैलिटीज़ को स्ट्रीट लाइटिंग पार्किंग लॉट्स बस स्टॉप्स और पब्लिक कन्वीनस का ध्यान रखना होगा म्यूनसपैलिटीज़ को स्लॉटर हाउसेस के लिए रेगोलेशन तय करने होंगे तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है सेवेंटी फ़ोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंदर हमने देखा कि म्यूनसपैलिटीज़ क्या होती हैं इनकी कम्पोजिशन और इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इनके पावर फंक्शंस और अथॉरिटीज़ क्या होते हैं म्यूनसपैलिटीज़ के ऊपर कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं इलेक्शन कमीशन क्या होता है इसके साथ ही हमने देखा कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं इसके ट्वेल्थ स्कैडल के अंदर क्या क्या फंक्शनस दिए गए हैं